प्रिय भैया बहनों, कक्षा सप्तम में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास विषय में आपका स्वागत है। इतिहास विषय में चैप्टर वन और चैप्टर टू, इससे संबंधित कुछ नए वर्ड्स यानी न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द या कुछ विशेष शब्द जिन्हें इस बोर्ड पर लिख दिया गया है, इसके बारे में आज आपको सीखना। तो भैया बहनों, पहला वर्ड है तुर्क। तुर्क कौन थे? ये मध्य एशिया यानी अपना जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित जो भी देश है यानी तुर्किस्तान और उसके आसपास का इलाका, वहाँ से तमाम ऐसे लोग जो भारत के धन वैभव संपन्नता इसको सुन करके यहाँ आए, चाहे वो आक्रमण करने के लिए आए हों या जिस रूप में आए हों और यहाँ आकर के भारत में बस गए, तो ऐसे लोगों को तुर्क कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है हिजरत। भैया बहन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर के मदीना चले गए थे, तो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा उन्होंने किया उस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। तीसरा है शब्द मलिक। सरहद और पंजाब में निवास करने वाले जो मुस्लिम वर्ग था उनकी एक सम्मानजनक उपाधि, वो लोग अपने नाम के आगे मलिक लगाते थे, तो ऐसे उन लोगों की एक टाइटल थी मलिक। नेक्स्ट है एकता। भैया बहनों, जिसे हम प्रदेश कहते हैं यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तो ऐसे ही पहले जब यहाँ सल्तनत काल होती थी, यहाँ बादशाह होते थे, उस समय यहाँ प्रदेशों को एकता कहते थे और प्रदेश के जो मुखिया होते थे उसको एकतादार या अक्तादार भी कहते थे। तो इस तरह से प्रांतों को एकता कहते थे जो आज हम लोग प्रदेश कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मंगोल जाति। ये मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनकी जाति है मंगोल। ये वहीं से आकर के यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था। और लास्ट पॉइंट है मुगल। मुगल शब्द, इसकी उत्पत्ति फारसी भाषा, जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ऐसे ही फारसी भी एक भाषा है। इस फारसी भाषा के शब्द मंगोल से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका नाम पड़ा मुगल। भारत में मध्यकाल में, मध्यकालीन इतिहास में आप पढ़ेंगे कि एक लंबे समय तक मुगल वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि इन बादशाहों ने भारत में मुगल वंश के रूप में एक लंबे समय तक भारत पर शासन किया और भारत के हर वर्ग को लगभग इन शासकों ने प्रभावित कर डाला। तो इस तरह से ये छह शब्द आपको आज नए शब्द के रूप में बताए जा रहे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए और इनको याद कर लीजिए। दैट्स ऑल।